बीते दिनों तुर्की में भयंकर भूकंप आया। ऐसे में तुर्की में अचानक आई आपदा के बीच भारत ने सबसे ज्यादा तेजी दिखाई और बिना किसी देरी के बड़ी राहत सामग्री और एनडीआरएफ की टीम को भूकंप प्रभावित इलाकों में भेज दिया। भारत के इस कदम के लिए तुर्की के राष्ट्रपति से लेकर बड़े बड़े अधिकारियों ने न केवल भारत की तारीफ की बल्कि इसके लिए उन्होंने भारत का शुक्रिया भी अदा किया। हालांकि इस निर्णय से भारत को एक बड़ा कूटनीतिक फायदा भी हुआ है। आपको बताएं तो तुर्की और भारत के बीच रिश्ते कभी भी ठीक नहीं रहे और इसका सबसे बड़ा कारण पाकिस्तान है। पाकिस्तान को तुर्की का बेहद करीबी माना जाता है और पाकिस्तान के इशारे पर ही तुर्की न केवल भारत विरोधी बातें करता है बल्कि वो कश्मीर में पाकिस्तान की साजिशों में भी उसका साथ देता है। और ऐसे में भारत के इस कदम से पाकिस्तान को एक बड़ा झटका लगा। जब भारत ने तुर्की को मदद भेजी, पाकिस्तान ने भी अपने दिखावे वाली दोस्ती के नाम पर उसे राहत सामग्री भेजा। हालांकि जब पाकिस्तान के द्वारा भेजी गई राहत सामग्री तुर्की में खोली गई तो ऐसा खुलासा हुआ जिसने न केवल पाकिस्तान की तुर्की में किरकिरी करवाई बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान सरकार शर्मसार हो गई। पाकिस्तान की राहत सामग्री को लेकर एक पाकिस्तानी चैनल ने ही खुलासा किया था कि इस्लामाबाद की तरफ से अंकारा को भेजी गई भूकंप राहत सामग्री वास्तव में वही सामग्री थी जो पिछले साल बाढ़ के बाद तुर्की ने पाकिस्तान को दी थी। जानकार मानते हैं कि भारत के द्वारा मुश्किल समय में तुर्की के साथ खड़ा होना भारत और तुर्की के बीच रिश्ते सुधार सकता है। इतना ही नहीं, आने वाले समय में तुर्की पाकिस्तान के लिए भारत का खुलकर विरोध करने से भी अब बचेगा। आपको बताएं तो न केवल तुर्की बल्कि सऊदी अरब समेत कई मुस्लिम देशों से भारत ने अपने रिश्ते बेहतर कर लिए हैं, जो दिखाता है कि आने वाले समय में भारत की कूटनीति पाकिस्तान को चारों खाने चित कर सकती है।